नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव जारी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे इनकार कर दिया है और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई इमारतों को ढहाने का काम शुरू हो गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जोशीमठ में बिगड़ते जा रहे हैं हालात। जमीन फटने की समस्या से जूझ रहे लोग, घरों की दीवारों में पड़ रही दरारें, प्रशासन ने असुरक्षित जोन किए हैं घोषित। असुरक्षित इमारतों को किया जा रहा जमींदोज। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित जोशीमठ में भूस्खलन और धसाव से लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। सड़कें फट रही हैं, मकानों की दीवारें दरक रही हैं, जिसको लेकर इलाके में सरकारी परियोजनाओं को, खासकर बिजली परियोजनाओं और सुरंगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और शहर पर जमीन में समा जाने का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते इस पूरे क्षेत्र को सिंकिंग जोन करार दिया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन धसकने से टूटे मकानों की संख्या 561 से बढ़कर 603 हो गई है। तो उधर जोशीमठ मामले में महामंडलेश्वर आचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने जनहित याचिका दाखिल करते हुए जोशीमठ केस में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की थी। इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि वहां चल रहे विकास कार्यों और निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगाई जाए। जोशीमठ और उत्तराखंड के अन्य स्थानों पर ऐसे निर्माण कार्यों के प्रभाव को लेकर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ जांच समिति बनाई जाए, ताकि वहां की भूगर्भीय स्थिति का सही आकलन हो पाए। पर सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ के डूबने से जुड़े सारे मामले में तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई की अगली तारीख 16 जनवरी तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना ठीक नहीं है। तमाम मुद्दों के लिए निर्वाचित सरकारें काम कर रही हैं और वो इस मुद्दे को देख रही हैं। हालांकि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वाडिया संस्थान आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों के साथ इस मसले पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है। गौरतलब है कि जोशीमठ में 678 मकानों में दरार आई है। 81 परिवारों को डेंजर जोन से अस्थायी तौर पर दूसरी जगह भेज दिया गया है। तो वहीं सरकार ने घरों को सुरक्षित, असुरक्षित और डेंजर जोन में बांटा है। बेहद खतरनाक जोन जो मकान गिरने की कगार पर हैं, उनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए एनडीआरएफ, राज्य पुलिस बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें वहां तैनात की गई हैं। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि 16 तारीख को होने वाली सुनवाई में क्या कुछ सामने निकल कर आता है और महामंडलेश्वर आचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।